हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल. होप यू ऑल आर फाइन. और सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू माय यूट्यूब फैमिली. मेरे एक और सब्सक्राइबर हैं जिनकी सिंगापुर में जॉब लग गई है. दिस इज़ माय थर्ड सब्सक्राइबर जिनकी सिंगापुर में मेरी गाइडेंस से अभी जॉब लगी है. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल. और उनका नाम गौरव है और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो भी इंडिया से हैं. तो उनकी जॉब लगे हुए अभी 2 महीने हो चुके हैं. तो मैंने सोचा था मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ बीच में जो मैं वीडियो नहीं बना पाई. सब्सक्राइबर की जॉब लगी है उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, बट साइड बाय साइड मुझे थोड़ा सा अफसोस भी है, थोड़ा सा दुख भी है. वो किस लिए है वो मैं आपको आगे बताऊँगी. तो मेक श्योर मेरे वीडियो को एंड तक देखें. और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन. सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, प्लीज़ इग्नोर दिस वायर. एक्चुअली मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन है और वीडियो बनाना थोड़ा सा कंपलसरी था. आज काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आया है तो अभी फ़ोन की बैटरी डाउन है, तो आप प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा. आई एम रियली सॉरी फॉर दिस. तो हुआ ये कि अभी 2 मंथ्स बैक मुझे एक मेल आया गौरव का कि मैम, थैंक्स टू यू और मेरी सिंगापुर में जॉब लग गई है. आई गॉट जॉब इन IT सेक्टर एज अ डेटा साइंटिस्ट और आई गॉट पोस्टेड इन सिंगापुर और वेरी सून ही विल बी फ्लाइंग टू सिंगापुर. ऐसे करके उन्होंने मुझे एक मेल किया. साइड बाय साइड उन्होंने मेल में मुझे ये भी लिखा कि मैम, मुझे यहाँ पर अकोमोडेशन फाइंड करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं चीप बजट में कैसे अकोमोडेशन फाइंड आउट करूं. तो आप प्लीज़ एक वीडियो बनाइए और मुझे ये बताइए, या जितने भी न्यू कमर्स हैं उनको ये बताइए कि वो लोग चीप बजट में अपना घर कैसे ढूंढ सकते हैं सिंगापुर में. तो मैंने बोला ठीक है और मैंने उनको वहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर दिया और सो दैट वो जब भी उनको मेरी ज़रूरत पड़े तो हम व्हाट्सएप पर बात कर लें. तो बाद में व्हाट्सएप पर हमारी बात हुई, उन्होंने मुझे थैंक यू बोला, उन्होंने मुझे बताया कि मैम, आपकी गाइडेंस मेरे बहुत ज़्यादा काम आई है, बिकॉज ऑफ यू ओनली आई गॉट जॉब इन सिंगापुर, सो थैंक्स टू यू. और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बोली. तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट मेरी मेहनत चलो काम आ रही है. ये मेरे थर्ड सब्सक्राइबर हैं गाइज, आप लोग मेरा वीडियो देखते आ रहे हो, आपको पता होगा इससे पहले भी 2 सब्सक्राइबर्स हैं जिनके सिंगापुर में जॉब लगी है. तो फिर मैंने उनको ये बोला, जैसा कि मैं अपने यूजुअली हर सब्सक्राइबर को बोलती हूँ, कि अगर आपकी मेरी वजह से जॉब लगी है, मेरा गाइडेंस आपको कहीं पर भी काम आया है, तो प्लीज़ आप एक 2-3 मिनट का वीडियो बनाएं और उसमें आप ये बताएं कि आपको कौन से पोर्टल से जॉब मिला है, कौन से जॉब पोर्टल से आपको जॉब मिला है और कितने टाइम में आपको जॉब मिला है, कितने टाइम से आप सर्च कर रहे थे, प्लस आपका पास आने में कितना टाइम लगा. और एट लास्ट आप ये बताइए कि मेरी गाइडलाइंस आपको किस तरीके से काम आई हैं, मैं कितना, मेरा जो बताया हुआ मार्ग है वो आपके कितना काम आया है. तो मैंने उनको बोला आप एक छोटा सा वीडियो बनाओ 2-3 मिनट का, उसके बाद आपका जो वीडियो है वो मैं यूट्यूब पर पोस्ट करूँगी, सो देट जो मेरे और व्यूवर्स हैं, जो मेरे और फॉलोवर्स हैं, उनको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा. क्योंकि अभी मैंने जब प्रतीक का वीडियो डाला था जिनको सिंगापुर में जॉब मिला है, उन्होंने अपना एक वीडियो बनाकर दिया था. गाइज, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, उस वीडियो से लोगों को इतना मोटिवेशन मिला, लोगों ने मुझे इतना थैंक यू बोला कि मैम, यू आर डूइंग ग्रेट वर्क, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब. और लोगों को क्या है, कुछ सब्सक्राइबर्स मेरे ऐसे हैं जो मुझ पर, मुझे पता है, फुल्ली फेथ करते हैं, ट्रस्ट करते हैं कि अगर मैं उनको बोल रही हूँ कि भाई बिना एजेंट के आपकी जॉब लग जाएगी, तो उनको लगता है कि हाँ लग जाएगी. लेकिन कुछ ऐसे हैं, कुछ को ये भी लगता होगा कि शायद मैं झूठ बोल रही हूँ, नहीं लगेगी, एजेंट को पैसे देकर ही जॉब लगेगी. तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, सारे प्रूफ्स लेकर और वीडियो, उनसे मैंने बोला कि आप एक छोटा सा वीडियो बनाओ, मैं पोस्ट कर दूंगी, लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, लोगों को मन में एक चीज़ जागेगी कि हाँ, हमें एजेंट को पैसे देकर अपने पैसे वेस्ट नहीं करने हैं और हमें खुद से मेहनत करके खुद से जॉब ढूंढना है. उस टाइम हमारी बात हुई, उन्होंने मुझसे 2 दिन का टाइम मांगा, उन्होंने बोला वेरी सून आई विल मेक वीडियो और आई विल शेयर विद यू. तो मैंने बोला इट्स ओके. 3 से 4 दिन के बाद मैंने उनको मैसेज किया कि गौरव, क्या आपने वीडियो बनाया? तो उन्होंने बोला नहीं, मैंने अभी नहीं बनाया और मैं आपको थोड़े टाइम बाद बना के दे दूंगा. तो मैंने बोला ठीक है, इट्स ओके. गाइस, फिर 4 से 5 दिन बाद मैंने उनको मैसेज किया कि गौरव, क्या आपने अब वीडियो बना दिया है? तो फिर से उन्होंने मुझे बोला कि मैम, मैं नहीं चाहता कि मेरी आइडेंटिटी रिवील हो और मेरा फेस आप लोगों को दिखाओ. तो मैंने बोला ठीक है, इट्स ओके, बहुत से लोग कैमरा शाय होते हैं, शायद वो कैमरा शाय हो. तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप वीडियो बनाओ, आई विल एडिट योर वीडियो, आई विल ब्लर योर फेस और मैं किसी को भी नहीं दिखाऊंगी और किसी को भी नहीं पता चलेगा कि कौन है, किसकी जॉब लगी है. सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो उन्होंने मुझे बताई, मैंने वो एक्सेप्ट कर ली. और गाइस, जितनी भी बातें मैं आप लोगों को बता रही हूँ, वीडियो के एंड में मैं आपको सारे के सारे प्रूफ्स दिखाऊंगी. तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें. जो भी हमारे बीच में कॉन्वर्सेशन हुई है, मेल पर जो भी बात हुई है, आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू. तो वीडियो प्लीज़ एंड तक देखना. उसके बाद मैंने बोला कि मैं आपका फेस ब्लर कर दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट, और आप वीडियो बना दीजिए. उन्होंने बोला ठीक है. 10-15 दिन के बाद मैंने गौरव से अगेन पूछा कि गौरव, क्या आपने वीडियो बना दिया है? उसके बाद मैंने उनको, थोड़ा सा मुझे भी अजीब लगा, मैंने उनको बोल दिया
देखो अगर आपको वीडियो नहीं बनाना है तो आप ऐसे साफ मना कर दो, मैं आपसे बार बार पूछ रही हूँ आप बार बार मुझे इग्नोर कर रहे हो, आप साफ मना कर दो कि मैं वीडियो नहीं बना सकता, इट्स ओके मैं मुझे जो करना होगा मैं कर लूँगी, और बाकी आप मना कर दो, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी ना मैं आपको कोई प्रेशराइज़ करूँगी। तो गौरव ने मुझे बोला कि मैम यू आर टेकिंग दिस कन्वर्सेशन टू अदर लेवल। तो अदर लेवल क्या था वो मुझे नहीं पता, तो मैंने उनको बोला कि मैं आपसे सिंपली पूछ रही हूँ, आप मुझे 15-20 दिन से घुमा रहे हो कि मैं बना के दे दूंगा, मैं अभी बिजी हूँ, मैं अभी ऐसे हूँ, मैं अभी वैसे हूँ, नहीं बनाना तो सिंपल मना करो, नो बनाना है तो येस, नहीं बनाना है तो नो, बात खत्म करो। तो उसके बाद उन्होंने बोला मैं बना दूंगा, मुझे थोड़ा टाइम दो, ये है वो है, उसके बाद इतनी बात करने के बाद उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। अब आप लोग इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन, कोई लड़की जो आपको जानती नहीं है, यू आर फ्रॉम अनदर सिटी या स्टेट, मैं किसी दूसरे स्टेट से हूँ, हम जानते नहीं हैं, हम कलीग्स नहीं हैं, हम फ्रेंड्स नहीं हैं, हम रिलेटिव्स नहीं हैं, हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, आप कहीं और रहते हैं, मैं कहीं और रहती हूँ, मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, मैंने बदले में आपसे क्या मांगा, सिर्फ मैंने ये बोला आप एक 2 मिनट का वीडियो बना दो, मैं उसको यूट्यूब पर पोस्ट कर दूंगी ताकि मेरे और व्यूवर्स जो हैं उनको मोटिवेशन मिलेगा। और उन्होंने बदले में थैंक यू बोलने की बजाय, मेरे को थैंक्स बोलने की बजाय उन्होंने सीधा मुझे ब्लॉक कर दिया। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, ये चीज़ मुझे इतनी हर्ट हुई, मुझे इतना बुरा लगा, मैंने कहा ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं कि आप किसी को जानते नहीं हो फिर भी आप किसी की हेल्प कर रहे हो और सामने वाला आपको थैंक यू बोलने से तो क्या गया, वो आपको ब्लॉक करके चला गया। मुझे बड़ा अजीब लगा, लेकिन स्टिल कॉन्ग्रेचुलेशन गौरव और गुड लक फॉर योर न्यू लाइफ, और सिंगापुर में अच्छे से रहो, जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उनको प्लीज़ फॉलो करना, मैं तो अभी भी आपको यही बोलूँगी। और गाइज आप एक बात सोचो, अभी कितनी गर्मी हो रही है आप लोग भी जानते हो, मैं ये वायर ऐसे, मेरा फ़ोन भी अभी डाउन है, मैं इसको कनेक्ट करके फ़ैन ऑफ करके सारी चीज़ें ऑफ करके मैं गर्मी में पसीना बहा के, आप मेरे फेस पे देख सकते हो स्वेटिंग हो रही है, मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रही हूँ। मेरे को कोई यहाँ पर कुछ, मुझे पैसे नहीं मिलने वाले, आप लोग मुझे आगे कुछ पे नहीं कर रहे हो, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ और गाइडेंस काफ़ी काम भी आ रही है। मैं जैसे कि बताया इससे पहले भी 2 सब्सक्राइबर्स की जॉब लग चुकी है और दोनों ने मुझे बहुत अच्छे से थैंक यू बोला, दोनों ने मेरे लिए वीडियोस भी बनाए। सेकेंड नंबर पे जो सब्सक्राइबर का था मैं उनका वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न। प्रतीक का मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया और जो लोग मुझे व्हाट्सएप पे फॉलो करते हैं उन्होंने देखा भी होगा, मैं व्हाट्सएप पे भी उनके स्टेटस मैंने लगाए थे और वो लोग आज भी मुझसे बात करते हैं, मेरे कॉन्टैक्ट में हैं, बहुत अच्छे से मुझे ग्रीट करते हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन गौरव जैसे सेल्फिश लोग भी हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था किसी ने आपकी इतनी हेल्प की। आप फॉरेन में जॉब लगना इट्स नॉट एन ईजी टास्क, और स्पेशली सिंगापुर में, मैं आपको बता दूं सिंगापुर के अपने बहुत टफ रूल्स हैं, बहुत टफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो यहाँ पर जॉब लगना इतना ईजी नहीं है और मार्केट में फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, आप खुद भी नहीं जज कर सकते कि कौन जेन्युइन है कौन फेक है। स्टिल मैं आप लोगों को इतने सारे रास्ते दिखाती हूँ कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, अपने पैसे को सेव करो, एजेंट को पैसे मत दो, मेरे गाइडलाइन की वजह से आपकी जॉब लग रही है, तो आप मुझे उल्टा थोड़ा सा मतलब ग्रीट करने से तो क्या गया, उल्टा आपने मुझे ब्लॉक कर दिया, तो मुझे ये चीज़ बहुत ही गंदी लगी। इस चीज़ से कई बार लगता है कि लोगों की हेल्प नहीं करनी चाहिए, कि जो वो कर रहे हैं उन्हें करने दो, किसी के पैसे जा रहे हैं जाने दो, ये तो वो वाली कहानी हो गई ना, नेकी कर दरिया में डाल। लेकिन फिर स्टिल मुझे समझ में आता है कि नहीं यार, अगर ऐसे लोग हैं तो अच्छे लोग भी दुनिया में हैं। मेरे जो अभी सब्सक्राइबर्स की जिनकी जॉब लगी है वो मुझसे बहुत खुश हैं, इवन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिंगापुर गए हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अक्षय हैं मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, पंजाब से हैं वो, उनकी वो अभी स्टडी वीज़ा पर गए हैं, वो तो मुझसे हमेशा बात करते हैं, हमेशा मुझे ग्रीट करते हैं, हमेशा मुझे थैंक यू बोलते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी काफ़ी अंदर से मोटिवेशन आती है। तो बस मेरा आप लोगों से सिर्फ सिंपल सा यही कहना है कि अगर कोई भी, इवन मैं ही नहीं, कोई भी अगर आपकी हेल्प कर रहा है तो बदले में आप उसके साथ बिल्कुल भी ऐसा ना करें, बहुत फील होता है, बहुत हर्ट होता है, ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। कोई आदमी आपको बिना जाने पहचाने आपकी इतनी हेल्प कर रहा है और आप उसको इस तरीके से डिच कर रहे हो तो ये चीज़ें बिल्कुल भी लाइफ में अच्छी नहीं होती हैं, भगवान सब देखता है, ऐसे उल्टे सीधे हमें बिल्कुल भी नहीं, ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। स्टिल चलो इस बातों को तो छोड़ो, इन बातों को, जो मेरे सब्सक्राइबर्स ये बोलते हैं कि मैम जॉब नहीं लग रही है, तो देखो आप लोग ये 3rd सब्सक्राइबर हैं जिनकी सिंगापुर में जॉब लगी है, और जितने भी जॉब के लिंक्स हैं, जॉब के जो भी पोर्टल्स हैं, मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर आप लोग एक बार चेक कर लिया कीजिए, और साइड बाय साइड मैं आपको अपनी मेल आईडी भी दे दूंगी, जिन लोगों को जो भी क्वेरी है मुझे मेल करके आप लोग पूछ सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, CV और कवर लेटर की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, जो लोग व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं उनके उनको मैं शेयर कर देती हूँ फॉर्मेट, जो लोग मेल पे मेल करते हैं मुझे उनको मैं अपना नंबर देके भी शेयर कर देती हूँ, और बाकी अगर मैं इसके ऊपर सोच रही हूँ कि जल्दी से एक वीडियो बनाऊँ स्पेशली अलग से CV और कवर लेटर के लिए, सो दैट काफ़ी लोगों को हेल्प मिल जाएगी। और बाकी देखो मेहनत करते रहो, ऐसा नहीं है कि सिंगापुर में जॉब नहीं लगती है बिना किसी एजेंट के, काफ़ी लोगों की लग रही है तो आपकी भी लगेगी,
और जो भी मैं आपको पोर्टल्स बताती हूँ उन पर जाओ, जॉब के लिए अप्लाई करो, और बाकी अगर कोई भी आपकी हेल्प करता है तो उसे थैंक यू बोलो, डिस ना करो उसके साथ, क्योंकि बहुत बार ये चीज़ें फील होती हैं। और बाकी गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट ऑन माई चैनल, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी क्वेरीज प्लीज़ लेट मी नो इन माई कॉमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू रिप्लाई। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।